हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हफ्ते में एक बार केंद्रीय और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के लाभार्थियों के साथ सीधा संवाद करने की अनूठी पहल की है। अब तक इससे पहले प्रदेश में ऐसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ई अधिगम योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि ई अधिगम योजना के तहत अब तक 5.5 लाख टैबलेट बांटे गए हैं। वैसे तो डिजिटल तकनीक का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में काफी समय से हो रहा है, लेकिन 2 साल पहले जब COVID-19 महामारी आई थी उस समय ये तकनीक हर विद्यार्थी की एक प्रकार से जरूरत बन गई थी। उस समय स्कूल कॉलेज जाना ये संभव भी नहीं था, लेकिन विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना ये भी आवश्यक था। इसके लिए हमने कई डिजिटल प्लेटफॉर्म इनका उपयोग किया था। COVID-19 महामारी के इस दौर में हमें जरूरत महसूस हुई कि प्रदेश के विद्यार्थियों के पास डिजिटल डिवाइस ये होना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने विद्यार्थियों को टेबलेट प्रदान किए। 5 मई 2022 को रोहतक में ई अधिगम योजना का शुभारंभ करते हुए हमने वहां टेबलेट वितरण किए थे। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब तक लगभग 5.5 लाख विद्यार्थियों को टेबलेट ये प्रदान किए जा चुके हैं। ये टेबलेट आपके कौशल का विकास करने के साथ साथ विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में आपकी सहायता करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा पहली बार अपने स्तर पर ही बच्चों को टैबलेट देने वाले देश का पहला राज्य बना है। जब इस योजना पर कार्य प्रारंभ हुआ था तो कई गंभीर प्रश्न सामने आए थे। पूरे भारत में किसी भी राज्य के पास ऐसी योजना नहीं थी जिसका अनुसरण किया जा सके। हमने हरियाणा में अपने स्तर पर पहली बार बच्चों को टैबलेट देने की योजना बनाई थी। हमने ये भी निर्णय लिया कि विद्यार्थियों को 2G इंटरनेट डाटा फ्री दिया जाए ताकि इस पर होने वाले खर्च का बोझ उनके माता पिता पर न पड़े। इसके लिए 1000 करोड़ की महत्वाकांक्षी योजना हमने बनाई, जो पूरे भारत वर्ष में स्कूल शिक्षा में पहली योजना है। ये भी बताना चाहूंगा कि इस समय पूरे संसार में स्कूल शिक्षा में कुल 6 से 7 ऐसे देश हैं जो ब्रिंग योर ओन डिवाइस के नाम से इस योजना को चला रहे हैं। हमने इस योजना को कहा कि वी विल प्रोवाइड यू द डिवाइस टू लर्न। इस प्रकार की हरियाणा ने देश में नहीं अभी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान बनाया है। मुख्यमंत्री ने आगे जोर दिया कि टैबलेट का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम डलवाया गया है ताकि कोई भी विद्यार्थी टैबलेट पर गलत सामग्री ना देख सके। मेरा सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इस टैबलेट का अधिकतम उपयोग करें, लेकिन दुरुपयोग किसी भी हालत में न करें। इससे सदुपयोग से आप दुनिया का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो आपके जीवन को सरल और सफल बनाएगा। भाइयों बहनों, टेबलेट के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी हमने इसमें मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम डलवाया है ताकि कोई भी विद्यार्थी अवांछित सामग्री न देख सके। हमने 37,370 अध्यापकों को भी टेबलेट उपलब्ध करवाए हैं ताकि उन्हें भी आपको ऑनलाइन शिक्षा देने में सुविधा प्राप्त हो। काबिले गौर है कि छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के मकसद से हरियाणा सरकार की ओर से ई अधिगम योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत सरकारी स्कूल में पढ़ रहे 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को टैबलेट वितरित किए जाते हैं। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।